हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। स्वागत है आपका नेस्ट किचन में। आज की हमारी रेसिपी है आलू मसाला, वो भी बिना ऑनियन और गार्लिक के। ये एक सिंपल आलू की रेसिपी है जो कम से कम समय में और मिनिमम इंग्रेडिएंट्स में बन जाती है। ये चटपटी आलू मसाला की डिश एक परफेक्ट साइड डिश है जो पूरे खाने का मजा दुगना कर देगी। तो चलिए देखते हैं चटपटे आलू मसाला की रेसिपी। चटपटा आलू मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हमें गरम पैन में लेंगे 1.5 छोटा चम्मच राई, आधा छोटा चम्मच मेथी के दाने, आधा छोटा चम्मच हींग और इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। हमें इसे तब तक भूनना है जब तक ये अपनी खुशबू छोड़ना शुरू ना कर दे। ध्यान रखें, हमें इंग्रेडिएंट्स को जलाना नहीं है। हमारे इंग्रेडिएंट्स ने अब खुशबू छोड़ना शुरू कर दिया है। अब हम इसे एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। अब एक मिक्सी जार में हम लेंगे 1 कप किसा हुआ नारियल, उसमें ऐड करेंगे 8 से 10 लाल सूखी मिर्च, 1 बड़ा चम्मच इमली का जूस, रोस्ट किए हुए इंग्रेडिएंट्स और जरूरत के हिसाब से पानी, और इसे हम फाइन पेस्ट में पीस लेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारी पेस्ट बनकर तैयार है और इसका रंग भी बहुत ही लाजवाब है। अब अगले स्टेप में हम एक पैन में लेंगे 1 बड़ा चम्मच तेल और उसे पूरे पैन में स्प्रेड कर लेंगे। थोड़ा तेल गरम होने के बाद हम उसमें ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच राई। हमने यहाँ पे तकरीबन 250 ग्राम आलू लिया है जिसको हमने उबालकर मोटे मोटे टुकड़ों में काटा हुआ है, कुछ इस तरह से, और इसे भी हम पैन में ऐड कर देंगे। उसके बाद हम आलू को गोल्डन ब्राउन होने तक रोस्ट करेंगे। दोस्तों, अगर आप कुछ इंटरेस्टिंग ड्रिंक्स की रेसिपी को जानना चाहते हैं तो हमने इनका पूरा एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसका लिंक हमने ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चेकआउट जरूर करना, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे ड्रिंक्स की रेसिपी भी शामिल है जो आपके हेल्थ के लिए काफी फायदेमंद है। नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे स्वादानुसार नमक, फिर हम इसको वापस से अच्छे से टॉस कर लेंगे। फ्रेंड्स, कुछ इंटरेस्टिंग स्नैक्स को सिंपल वे में बनाना चाहते हैं तो उनके ऊपर हमने एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई है जो आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप इन्हें चेकआउट जरूर करें इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करने के बाद। नेक्स्ट हम तैयार किए हुए मसाले को आलू के अंदर डालेंगे और फिर इसमें डालेंगे थोड़ा पानी और इसको अच्छे से मिला लेंगे ताकि आलू और मसाला अच्छे से आपस में ब्लेंड हो जाए। दोस्तों, अगर आपको नो ऑनियन और नो गार्लिक की कुछ अमेजिंग रेसिपीज को सीखना है तो कुछ वीडियोज के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप उनको जरूर वॉच करें। फिर वापस से हम इसमें डालेंगे थोड़ा और पानी और वापस से अच्छे से इसको मिला लेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, इसका कलर कितना अच्छे से निखर कर आया है जो काफी वाइब्रेंट लग रहा है। अब हम लिड को बंद करके इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए पकने देंगे। तो अब 5 मिनट हो चुके हैं, चलिए ढक्कन को खोलकर चेक करें। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारे आलू परफेक्टली कुक हो चुके हैं और मसाला भी अच्छे से पक चुका है और काफी अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। तो लीजिए फ्रेंड्स, गर्मा गर्म आलू मसाला खाने के लिए तैयार है। बहुत ही इजी रेसिपी है जिसे आप जब चाहे बना सकते हैं, और क्योंकि इसमें आलू है तो ये बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी। आप इसे चावल या चपाती के साथ परोसे। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। आप इसे घर पे जरूर ट्राई करें और आपकी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को दबा के ऑल पे क्लिक करें ताकि हमारी अगली सारी रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आप इस रेसिपी के साथ आलू की और एक स्नैक्स की रेसिपी ट्राई करना चाहते हैं तो आप हमारे लेफ्ट वाले वीडियो को देख सकते हैं या फिर राइट वाले वीडियो को भी चेकआउट करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।